डी ए स्टूडेंट्स मकैनिकल है टॉपिक हम यहाँ पर यह देखना है कि जो इलेक्ट्रिकल हैज़ड्स पैदा हो जाती हैं उनको किस तरह रिड्यूस किया जा सकता है अलेक्ट्रिकल हैज़ड्स क्या हैं वो तमाम इशूज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में पैदा होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसको इलेक्ट्रिकल हैज़ड्स कहते हैं उनको कम कैसे किया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल ग्राउंडिंग ऑफ अलेक्ट्रिकल इक्वमेंट इज़ द प्राइमरी मैथड ऑफ़ प्रोड्यूसिंग एलेक्ट्रिकल हैजक्ट्रिसिटी है उसको ग्राउंड के साथ टच करना कैसे जब इलेक्ट्रिसिटी की दो केबल्स होंगी एक केबल को आप लोगों ने नीचे अर्थ के लिए ज़मीन के अंदर लेके जाना है और एक को आपने केबल को यूज़ करना है बाकी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए इस अमल को हम लोग अर्थ भी बोलते हैं ये सेकेंड पॉइंट है अलेक्ट्रिकल सिस्टम ग्राउंडिंग इज अचीव वैन वन कंडक्टर ऑफ़ दर्कट इज कनेक्टेड टू द अर्थ इस तरह काफी हद तक हम इलेक्ट्रिसिटी हैज को रिड्यूस कर सकते हैं रिडक्शन ऑफ अलेक्ट्रिकल हैजक्ट्रिकल हैज में कमी के लिए एक और मैथड भी यूज किया जाता है इसको हम बोलते हैं अ ग्राउंड फॉल्ट सर्कट इंटरप्टर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्राउंड फॉल्ट इंटरप्टर इट कैन डिटेक्ट द फ्लो ऑफ अलेक्ट्रिसिटी अलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को यह डिटेक्ट करता है और नंबर टू इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है उसको इंटरप्ट करता है जब कम करना हो या ज्यादा करना हो ज्यादा तो नॉर्मली ये नहीं करता लेकिन उसको कम करने के लिए या उसको स्टॉप करने के लिए ये यूज होता है इसको हम लोग जी बोलते हैं फ्यूज कंसिस्ट ऑफ मेटल स्ट्रिप फ्यूज यूज होते हैं आपने सुना होगा या देखा होगा घर के अंदर मुख्त बोर्ड लगे होते हैं तो उसके अंदर डी लगी होती है वो तो जो डी है वाइट सी कलर की उसके अंदर अंदर बेसिकली एक इलेक्ट्री electric, इलेक्ट्रिसिटी की छोटी सी तार होती है लोहे की या आयरन की वो बेसिकली दोनों जो उनके सर्कट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं उसका प्राइमरी पर्पस क्या है उसका पर्पस ये है कि जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का लोड ज़्यादा हो जाएगा तो वो बेसिकली मेल्ट हो जाती है जिस वजह से घर में बहुत ज़्यादा नुकसान होने से आप लोग बच जाते हैं ओ एस एच ए डी स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन स्टैंडर्ड्स तो ये लेफ्ट साइड पे ये तमाम स्टैंडर्ड्स हैं ऊपर वाले इलेक्ट्रिकल सिस्टम के स्टैंडर्ड्स हैं डिज़ाइनिंग के हवाले से और नीचे वाले सेफ्टी रिलेटेड वर्क प्रैक्टिस हैं यहाँ पे इनको डिटेल में डिस्कस करना मकसद नहीं है बल्कि आपको बताना ये मकसद है तो अगर आप लोग तो डिटेल इनकी जानना चाहते हैं तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन ने ये स्टैंडर्ड डिज़ाइन किए हैं आप इनको वन बाई वन स्टडी करके मुकम्मल डिटेल में इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करके मैकेनिकल हैजर्ड से बच सकते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रोग्राम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ये बेसिकली एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका प्रायमरली पर्पज ये है कि किस तरह इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स को रिड्यूस किया जा सकता है या कम किया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल इनका मेन काम क्या है डिवेल्प एंड इम्प्लीमेंट सेफ्टी प्रोग्राम एंड नेसेसरी कम्प्रीहसिव सेफ्टी प्रोग्राम डिवेल्प करने हैं जब वो रिक्वायर्ड है नंबर टू रिवाइज एग्जिस्टिंग प्रोग्राम जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है उनमें अगर कोई ड्रॉबैक है कोई फ्ला है उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है एंश्योर कंप्लाइंस विद एग्जिस्टिंग ऑकुपेशनल सेफ्टी एंड एसोसिएशन रेगुलेशन कभी भी आपने ऑकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के रूल एंड रेगुलेशन को अवॉइड करके नए रूल्स ड्रा नहीं करने क्योंकि वो बॉडी का प्राइमरली काम ही इन चीजों को डील करना है और रेगुलेट करना है प्रोवाइड वर्कर्स विद एडिक ट्रेनिंग जितने भी वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग देनी है किस तरह इलेक्ट्रिकल हैज से बचा जा सकता है या उनको रिड्यूस किया जा सकता है प्रोवाइड एडिशनल स्पेशलाइज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ट्रेनिंग एडिशनल का डी स्टूडेंट्स ये मतलब है कि जो कॉमन चीजें यूज हो रही हैं उसे हट के अगर ज्यादा किस्म की कोई स्पेसिफाइड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है तो वो भी प्रोवाइड की जाएगी अपने एम्प्लॉयज को तमाम जो आपके इक्विपमेंट्स हैं तमाम जो मशीन्स हैं तमाम जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको टेस्ट करना है उनके ऊपर फिर स्टैम्प होनी चाहिए टेस्टड चेकड अप्रूवड इन ये फ़ायदा होगा कि वो जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं वो एक एस ओ पी के मुताबिक काम कर रही होंगी एंड आज डिटेक्शन इक्पमेंट्स और जो भी इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उनको डिटेक्ट भी आपने करना है चेक करना है इंश्योर कम्पलाइंस विद द एन ई सी एन ई सी के हवाले से हम लोग देखते हैं नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड इसमें बेसिकली नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कोड भी डिज़ाइन किए जाते हैं और इनका प्राइमरली मकसद ये होता है कि वर्क साइट के ऊपर किस तरह इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिफिकेशन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का यूज़ करना है और उनको ऑपरेट करना है एक्टिवली encourage all वर्कर्स टू पार्टिसिपेट इन वर्क प्लेस सेफ्टी हमेशा अपने वर्कर्स को इनक्रेज करें कि जो इम्प्लाई भी सेफ्टी के मुताबिक काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें वेल डन यू आर डूइंग वेल यू आर डूइंग गुड इसका फ़ायदा ये होगा कि वो प्रैक्टिस तमाम इम्प्लाई फॉलो करना शुरू कर देंगे टू हेल्प प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज असल में ये हमारा टारगेट होता है इलेक्ट्रिकल हैज़ट्स को रिड्यूस करने का ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें रिड्यूस कर सकें इलेक्ट्रिकल इंजरीज से वो इंजरीज जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पैदा होती हैं उनको कम या रिड्यूस किया जा सके वट फॉलोज ऑफ क्वेश्चन वन बहुत इंपॉर्टेंट है जी आर ऑल इलेक्ट्रिशियंस इन योर कंपनी अप टू डेट विद द लेटेस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड आपके जितने भी इंजीनियर्स हैं जितने भी इलेक्ट्रिशियंस हैं जो कि इस चीज को काम कर रहे हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेटेस्ट इक्विपमेंट से लेटेस्ट कोड से फेमिलियर हैं अगर वो फेमिलियर नहीं है तो उनको कॉमन जनरल ट्रेनिंग कराएं स्पेशलाइज ट्रेनिंग कराएं ताकि वो इन इक्विपमेंट से वेल well वर्स हो सकें डज योर कंपनी स्पेसिफाई कंप्लाइंस विद द एन ई सी पार्ट ऑफ इट्स कंट्रैक्ट फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क विद आउटसाइड पर जो भी एस ओ पीज हैं उसके मुताबिक एम ओ यू साइन करें फिर उसको उसके मुताबिक डील करें डू आल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन लोकेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ हेजोडियस डस्ट आर वेपोर मीट्स यहां पे इसका ये मतलब है कि जहां कहीं भी टेक्निकल चीज़ें इंस्टॉल होंगी उसको प्रॉपर वे में चेक किया जाए मोनिटर किया जाए कंट्रोल किया जाए अवेल्यूएट किया जाए एनालाइज किया जाए और वो लोग जो यहाँ जॉब कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए उनको डिमॉन्सट्रेशन दें ताकि बाद में किसी किस्म का इशू पैदा ना हो आज इलेक्ट्रिकल कोड्स प्रॉपर्ली स्ट्रॉन्ग इन आल कंडक्ट बैक्स केबल एंड सो ऑन प्रॉपरली अटैच टू स्पोर्ट जंक्शन बॉक्सिस एंड आउटलेट बॉक्सिस ये जो तीन चार पॉइंट्स हैं इनका एक मकसद है और इनका एक कामन मकसद ये है कि जो केबल कंडक्टर बॉक्सिस जो चीज़ें यूज हो रही हैं वो प्रॉपरली टेस्ट हों चेकड होंलाइज हों और उसके बाद उनको यूज़ करें और अगर उसमें कहीं पर कोई फॉल्ट पैदा हो जाता है तो उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करें आर आल मेटेलिक केबल्स एंड कंडक्टिव कंड्यूट सिस्टम प्रॉपरली ग्राउंडेड जो एस ओ पीज हमने शुरू में आपसे शेयर किए थे कि जैसे कि अर्थ सिस्टम है या उसके अंदर आप लोग कंडक्टर यूज करते हैं एक जमीन में एक ऊपर यूज़ करते हैं जो भी थेरीज हैं इसके अंदर उन सब को आपने डी स्टूडेंट्स फॉलो करना है आर आल ग्राउंड कनेक्शन क्लीन एंड टाइटली मेड टाइटली स्ट्रॉन्ग बेहतरीन उनको एक्ोरेट वे में काम किया गया है ऐसा तो नहीं है कि अनप्रोफेशनल शख्स ने उसको ऑपरेट किया तो उसके रिजल्ट पर डेफिनेटली अदारे के लिए ठीक नहीं होंगे आर आल फ्यूज एंड सर्कट्स ब्रेकर्स प्रॉपर साइज एंड ट्राइप ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी केबल की जितनी कैपेसिटी होती है उसके मुताबिक ही उसका स्विच होना चाहिए और उसके मुताबिक ही उसके अंदर कंडक्टर यूज होना चाहिए और उसके मुताबिक ही एस ओ पी के मुताबिक उसके आगे लोड होना चाहिए जब इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो आपके फ्यूज़ के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होगा आर ऑल फ्यूजेज फ्री ऑफ जम्पिंग आर ऑल इलेक्ट्रिक स्विचेज फ्री ऑफ एविडेंस ऑफ ओवर हीटिंग ऐसा तो नहीं है कि स्विच ओवर हीट हो जाता है मेल्ट हो जाता है अगर स्विच मेल्ट हो रहा है तो इट मीनस दैट देर इज समथिंग रॉन्ग इसका मतलब ये है कि वो लोड सही तरीके से बर्दाश्त नहीं कर रहा तो इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर हैं वो इन चीजों को एक्सपर्ट वे में मैनेज कर सकते हैं आर ऑल इलेक्ट्रिकल स्विचज प्रॉपरली मार्क् टू शो दे पर्पज हर एक इलेक्ट्रिक स्विच का एक अपना काम है उसके ऊपर ट्रिक होनी चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए कि वो किस पर्पस के लिए यूज होगा उसे हट के आप उससे वो काम नहीं ले सकते अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है लास्ट वो ये है प्रिवेंशन ऑफ आर फ्लैश इंजरीज ये क्या है आर फ्लैश इंजरीज अखर इन दर्क प्लेस एवरीडे इन दिस कंट्री कैसे मैनी ऑफ दिज इंजरीज लीड टू सीवियर बर्न एंड इवन डेथ जब बहुत ज्यादा लोग जल जाते हैं या मौत का शिकार हो जाते हैं उसकी वजूहत में से इसके ये बहुत ट्रेज चीजें हैं इनको कैसे रोका जा सकता है एन आर्क फ्लैश इज एन इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्कटिंग ये है इसकी बेसिक डेफिनेशन दैट ट्रेवल थ्रू द एयर रादर दैन फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर ये हवा में से ही चीजों को खींच लेती है अगर एक बहुत हैवी केबल जाए या आप उसके पास जाते हैं उसकी जब रेंज में आप आ जाएंगे वो अपनी तरफ तो आपको खींच लेगी दिस इज़ नोन्न आर फ्लैश अब यहाँ पे इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कैसे ऑपरेट किया जा सकता है यहाँ पे वही क्वेश्चन है अगर आप ऑक्योपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करेंगे तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में पैदा नहीं होंगी